मैं तो कभी लिफ्ट में जाती नहीं, ये तो प्यार करता है उससे और कुछ नहीं। इसको अंडरवेयर भी बनाई है और ऊपर ये भी बनाया और अनंत बनी हुई है इसके सिर्फ। हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग की जो प्लानिंग है वो आकाश की है और आकाश आगे बताएगा। तो फाइनली फाइनली मैं दिल्ली आ चुका हूँ। मैं दिल्ली में ही था। फिर कैसा रहा तेरा वहाँ का प्लान? काफी अच्छा था। मैं अपने बड़े भाई को मिस कर रहा था। ये तो झूठ बोल रहा है बहुत ज्यादा। आज क्या है? आज है रावण दहन। तो देखो यहाँ पे तो कहीं पे रावण लगा हुआ है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, आकाश के अंदर आग लगा देते हैं। मैं रावण थोड़ी ना हूँ, रावण से कम भी तो नहीं है। काम मिस कर रहा था, ये सब फोन ही नहीं उठा रहा था। हाँ, मम्मी का फोन नहीं उठाया एक बार भी। उठाया था बस, वो भी मैंने तेरे को फोन करा, जब तूने इसको फोन करा तब। अरे रुक जा, फोन करके दूध मंगाना था। सही बात है यार, वैसे मैंने भी आकाश को मिस करा क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम थे जो मुझे करने पड़ रहे थे और मम्मी ने वो सारे काम मुझसे करवाए जो आकाश से करवाती थी। यही है मेरा प्यारा बेटा। देख रहा कर, देख रहा है दो मुही माँ सॉल कर ला एकदम मस्त वाला। हाँ वो तो ले तो। मम्मी ऐसा इंतजाम हो गई आज मम्मी के लिए, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आया वहाँ से। तो मेरी मम्मी आजकल कुछ ज्यादा एक्टिव हो रखी है, बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है इनके अंदर। मैंने मम्मी को दो तीन बार ना प्रोटीन खिला दिया, उसके बाद तो मम्मी के अंदर एक्स्ट्रा जान आ गई। अब लोग बोलेंगे प्रोटीन खा गए तो कोई बॉडी बना ले आंटी जी। सो गाइस, आज है दशहरा और आज भाई की ड्यूटी है, तो भाई आज घर पे नहीं है। तो मम्मी को थोड़ी सी चिंता हो रही थी भाभी की, तो मम्मी ने आज बनाई थी खीर और पूरी, तो वो भाभी को देने जा रहे हैं और थोड़ी सी मस्ती करते हैं आगे चल के। आकाश वहाँ चल रहे, चाय तो पियेंगे, चाय समोसे। तो भाई साहब ये चाय के लिए इतना डेडिकेटेड है ना, इसको तो बस पता ही नहीं। आकाश तेरा फेवरेट काम, मुझे चाय दे दो और मैं आपका तेरा फेवरेट काम। यार रात को तो हमें ठंड लग रही थी भाई क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। आकाश कैसा लगा बैठ के? बहुत ठंडा लग रहा है। स्कूटी की चाबी देख लो। नहीं है मम्मी, यहाँ पे नहीं है स्कूटी की चाबी, खो दी इसने। मैंने वो लाना तो भूल ही गया। क्या वो अखबार वगैरह भाभी के 17 राउंड बनाना था, तो न्यूज पेपर तो वहाँ पे काफी मिल जाएंगे। अरे हाँ मैं पढ़ता भी तो सुबह वहाँ पे घर पे रह गए। तो अभी इसकी सबसे पहले फेवरेट चीज ले लेते हैं। आकाश चाय पीना पसंद करेगा? या दूध ले लेते हैं। अदरक? अदरक तो है होगी। आपको क्या लगता है नशे नहीं करता हैं? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत तगड़ा नशेड़ी है। इसको मम्मी चाय का भी नशा होता है क्योंकि चाय के अंदर कैफीन होता है, जैसे सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है ना, वैसे चाय के अंदर कैफीन होता है, इसका भी एक नशा है। अगर इसको एक दिन चाय ना दे तो अगर क्या खून की उल्टी कर दूंगा। ये मुकेश था जो संजय दे रावण। यार ये तो बड़ा सही रावण बना रखा है यहाँ पे। ओह माय गॉड, वो रावण की मूंछ सब कह रहे थे रावण नहीं लगा, हर जगह लग रखा है। यहाँ तो रावण लगा हुआ है, अपन आ सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए। सुबह जा रहे ना भैया दूध लेने क्योंकि मेरे को पीनी है चाय। तेरी चाय की सामग्री आ गई। वही तो मेरी मम्मी, मेरी मम्मी जैसी लग रही है। आंटी जी कहाँ घूम रहे हो? गाइस देखो यहाँ पे रामलीला के लिए देखो कितनी सीटें वगैरह लगी हैं और वो रे रावण तीन भाई जलेंगे बेचारे। रावण क्यों जलाते पता है? बुराई के अंत के लिए। बुराई के अंत नहीं, राम भगवान से हट रहा था। रावण सबसे बड़ा विद्वान ही, सबसे बड़ा ज्ञानी था, लेकिन कहते हैं निबोधक था, अवकाश इसे समझना चाहिए कि तू कितना ही ज्यादा सुपीरियर हो जाए लेकिन जिस दिन तू गलती करेगा उस दिन कुत्ते की मौत मारा जाएगा। गाइस एक दिन तो सभी मर जाएंगे, उससे पहले सब्सक्राइब कर दो। तरने वाले से पहले हमारे लाइक कंप्लीट कर, चैनल पे तो रह जाओगे। धोबी लिया करो। भाई अगर ये ब्लॉग तू देखा है ना तो इसमें लिखा है, देख इसमें लिख रखा है धोबी लिया करो। दो लेके आ जाए, ये जब तक मेरे हाथ में थी तब तक एकदम मस्त रहती थी। चल भी नहीं है, मतलब भाई बहुत कम नहीं यूज करता तो ये, और क्या सफाई करेगा इसको, बस ले जाना और लाना दो ही काम है। पहले मैं इसी सेम लिफ्ट में आता था और मेरी बॉडी बहुत कम हुआ करती थी। मम्मी अगर कभी लिफ्ट बंद हो जाए तो आप क्या करोगी?
लिफ्ट में जाती ना, ये तो चलाना होगा मेरे को। सब कुछ आता है, मम्मी बंद हो जाओ तो रोना होना होगा, थोड़ी देर में खुल जाएगी लिफ्ट अपने आप। ये लाल वाला दबाना होता है, ये इससे आवाज हो जाती है, पता चल जाता है इससे, ये सायरन का है ना, इससे पता चल जाएगा। दबाते रहना करो, टॉ 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 दबाते रहना, आवाज जाएगी बोले अंदर रात में। अब गाली करो मम्मी, आज निकाल दे दो रे। मम्मी सांस नहीं आ रही, मिर्च लगी और मेरा हो चुका है जिम जाने का टाइम, तो वो लोग वहाँ पे रावण रावण मना रहे हैं, लेकिन हम जिम जाते हैं और देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो उसके बाद सीधा रावण दहन देखने चलेंगे। अभी मुझे 1.5 घंटे बाद जिम जाना है, और उससे पहले सभी लोगों को बताया कि नवरात्रे खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे चावल है, उसके साथ में दाल है और 2 एग। यहाँ पे अपना प्रोटीन और कार्ब इंटेक करते हैं, उसके बाद में 1.5 घंटे से आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम चलते हैं सीधा जिम। टाइम हो चुका है जिम जाने, आज फटाफट वर्कआउट करेंगे, ज्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी वैसे ही लेट हो चुका है, क्योंकि आज फिर सोच रहे हैं कि आज रावण वगैरह भी देख के आए। आजा मेरी सोनपरी, कितना वेट करवाता है तू? कोई बात नहीं, वेट तो करना पड़ता है। क्यों वेट करना पड़ता है, हमेशा मैं वेट करती हूँ। कोई नहीं, मैं भी करूँगा एक दिन। आज कौन सा वर्कआउट होने वाला है फिर हमारा? मेरा जब मन करता है लेग्स कर लेती हूँ। मेरा कोई स्पेसिफिक डे नहीं, आज मेरा मन कर रहा है लेग्स करने का। So guys, girls का देखो वैसे भी अपर पार्ट उन्हें गेन करना नहीं होता, लोअर पोर्शन पे ध्यान देना होता है। इतने डोले बहुत है मुझे किसी को भी पीटने के लिए। और ये अच्छा देख, इतने डोले बहुत है यार, इस डोले नहीं बनाने मुझे। अच्छा तो ब्रूस ली है वो है, ये तो किसी को भी पीट देगी। डोला नहीं आया मेरा, डोला जिम में ट्रायल देने चल रहे। आज हमारा जिम है बंद, ये सोच लड़की लेके आई है कि जिम मैंने मैंने तेरे को खुला हुआ है, मैंने तुझे पूछा था, मैंने तेरे को बोला था, मैंने तेरे को बोला था जिम बंद होगा, तूने बोला जिम बंद नहीं होगा। चल अब आंटी को बोल दे जूस जूस। चल आंटी से पूछ लेते, आंटी आज कोई आया पीने, हम आए देखा छुट्टी वाले दिन भी आते हैं हम। अरे यार इतनी मेहनत करी जिम ही बंद है, आज जिम बंद है। देख लो फिर भी आए हम लोग। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम जिम आए थे बट बंद मिला। हाँ जूस पीना है। जो हमारी तेरी प्यारी पब्लिक है वो एक्सरसाइज करते हुए नहीं, वैसे तो तुझे तो देख लेती है बट मैं नहीं डालती एक्सरसाइज की वीडियो। ठीक है, अगली बार इसको दिखाएंगे एक्सरसाइज करते हुए। आंटी बिना नमक का मेरा नमक वाला पागल बना के लाया जूस पिलाने। मुझे लगा नहीं, मुझे लगा जिम बंद होगा, खुला होगा। आंटी मेले में बहुत भीड़ होती है। भीड़ होती है अभी, कौन कहाँ जला रहा है, कोई रावण कोई नहीं जला रहा यहाँ। तो गाइस देखो मेरी मम्मी चाय बना रही है मेरे लिए, ठीक से बनाओ। एंड गाइस मैंने और भाभी ने मिलके अभी ये बनाया है, हमने रावण बना लिया। हाँ और रावण देखो पूरी हील्स वगैरह पहना के एकदम बढ़िया तरीके से, रावण है आकाश ने अपने हिसाब से बनाया। इसको अंडरवेयर भी बनाई है और ऊपर ये भी बनाया और अनंत बनी हुई है इसके सिर पे। अनंत बनी से जो विश मांगेंगे पूरी हो जाएगी। अभी देखो कितना सा राउंड लगा रखा है। बट मम्मी मेरे वाला ज्यादा अच्छा था है ना, देखो और यहाँ पे कितने बड़े बड़े राउंड लगा रखे हैं। पापा एक्स्ट्रा अदरक वाली चाय। कैसा रहा आपका आज का दिन भाई के घर पे? बढ़िया रहा मम्मी, आपको पता है क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ?
मैं वहाँ से भाग के तो आ गया कि जिम जाऊँगा जिम जाऊँगा। अब मेरा जिम बंद है आज। मम्मी आपके लिए पता है मैं क्या लेके आया हूँ आज? आपके लिए जलेबी लेके आया हूँ, आपकी फेवरेट। कहाँ क्या खाया? तो मैं जलेबी तो आपको बचपन से पसंद है बहुत ज़्यादा, तो मम्मी की फेवरेट है जलेबी। मम्मी जलेबी। आज मम्मी ने खीर बनाई थी और इतना मीठा खा लिया, मम्मी का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। पूरे 150 साल बाद जलेबी खा रहा हूँ आज मैं।